हरिओम, श्री राम अम्बन्य। मैं आकांक्षा वीरा राणे, सीवुड्स उपासना केंद्र। ऐसे तो बापू के बारे में जो अगर बोलना चाहेंगे तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैं एक छोटे शहर से हूँ, वो छोटा नहीं है शहर, लेकिन वहाँ पे जॉब के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। 2004 में मेरी शादी रुपेश सिंह राणे से हुई थी। उस समय तब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन आईटी में हुआ था और मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने भी कुछ एक सपना देखा था कि हाँ, मुझे भी एक कंपनी में जॉब करना है या मतलब कुछ अच्छा करियर करना था इस फील्ड में। लेकिन उस समय मेरा एमसीए जब चल रहा था, उसी में मेरी शादी हुई, उसके बाद में मेरा एक बेबी हो गया। तब मैंने कंडीशन के संग कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि हाँ ठीक है, अभी मुझे ये सब मैनेज करते हुए मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है। तो मैंने वहीं पे मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग ग्वालियर में ही थी, वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे, तो वह उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, लेकिन उस समय हम लोग वहीं ग्वालियर में ही रह रहे थे। तब फिर मैंने टीचिंग से अपना करियर स्टार्ट किया, तो कुछ समय तक वही कंटिन्यू रहा। फिर 2014 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग मुंबई में हुई, तो अब यहाँ पे भी मैंने फिर वही फील्ड में मेरा करियर स्टार्ट किया, और मतलब उसमें काफ़ी फिर मुझे संघर्ष करना पड़ा। फिर एक दिन मेरे मन में ऐसा विचार आया, मुझे ये दादा से पूछना चाहिए, बापूजी के वहाँ जाके मुझे ये पूछना चाहिए। दादाजी उस समय दादाजी प्रश्न लेते थे कि क्या मैं मेरा फील्ड चेंज करूँ। तो ऐसे में एक दिन वहाँ पे गई तो मैंने उनसे पूछा दादाजी से कि मैं अपना फील्ड चेंज करना चाहते हो, तो दादाजी बोलते हैं कि टीचिंग छोड़ना नहीं है, बाकी जो करना चाहो आप करो। ठीक है, फिर वैसे ही कंटिन्यू चलता रहा। कुछ समय तक मैं टीचिंग लाइन में ही कंटिन्यू किया। तब उस बीच में मैंने बहुत स्पेशल कोर्सेज किए और अलग अलग इंटरव्यूज़ भी दिए अलग फील्ड के, तो उस समय मुझे उसमें कुछ ज़्यादा कुछ सक्सेस नहीं मिला, कुछ सफलता नहीं मिली। तो लेकिन कोविड के समय में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अमृतसर आई, तब उस समय मैंने फरवरी 19 में मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया जहाँ पे मैं टीचिंग लाइन में काम करती थी। तो फिर रेजिग्नेशन डालने के बाद में मुझे एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से मेरे करियर की जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। आज जो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, टीचिंग लाइन में ही मिला है, ऐसा बोलते हैं ना, जे जे मुझे साठी उचित तेचिल तो देशिल खचित। तो ये जो वाक्य है जो हम उपासना में बोलते हैं, जो बापू ने दिया है, बापू के उपासना में हम बोलते हैं, वो कितना सही है। आज मुझे इसका इतना अच्छा अनुभव मिला। तो वही कि जब मन में ऐसा विचार आया था कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन दादा के जो शब्द थे वो आज कितने सच हुए मेरे लिए। और आज मैं मुझे आईटी कंपनी में जितना अच्छा पैकेज मिलता है, आज उतना ही अच्छा पैकेज मुझे आईटी ट्रेनर, मैं अभी एक कंपनी में काम करती हूँ वहाँ पे मुझे टीचिंग लाइन में भी मैं ही आईटी ट्रेनर करके एक जॉब मिला, जहाँ पे मुझे उस टाइप का ही अच्छा पैकेज मुझे मिला है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव है, मेरे लिए करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा चांस था। सो हरिओम, श्री राम अम्बन्य।